किसी का बचपन, किसी की जवानी और किसी का बुढ़ापा ले गया। वो रद्दी वाला घर से किसी ना किसी की कहानियां ले गया। तो मुझे 22 साल हो गए हैं इस देश में, इस शहर में। 22 साल से इस शहर में हूं मैं। तो कई लोग पूछते हैं कि राज भाई, क्या बदलाव देखा आपने इस शहर में, क्या चीज चेंजेस हुए? मैं कह देख भाई, चेंजेस का तो पता नहीं, क्या नहीं बदला वो मैं बता सकता हूं। तो ये बड़ा अच्छा सा शेर है कि खुदा कहां है, खुदा कहां है, किसी ने पूछा। तो मैंने कहा इधर देखो खुदा है, उधर देखो खुदा है, और ऑकलैंड में कहीं भी देखो सिर्फ खुदा ही खुदा है। तो हर जगह खुदा ही है। कहीं भी चले जाइए, कोई भी सब में चले जाइए, आप गाड़ी लेके जाए, आप लोगों ने भी डिस्कशन किया होगा यार, ये कौन देख रहा है, $5 के बिकते हैं भाई साहब, $5 कमा रहे हैं लोग, नहीं नहीं $10 भाई, मिलियनेयर हो गए, इसका ही बिजनेस है। इंडिया में कौन होते तो घर ले जाते लोग, पलंग बना के सो लेते, काफी डिस्कशन ऐसे होते हैं ना। तो मैंने कहा तो यार देखो ये चीज नहीं बदली ना, कंस्ट्रक्शन, रोड वर्क्स। फिर दूसरा दूसरा मैंने कहा विस्कोस देखा होगा आपने, उसकी सेल 24/7 12 महीने चलती है। तो 12 महीने वो चल रही है सेल सेल सेल, और उसकी जो मॉडल है, हम जब आए थे 2002 में तब से वही मॉडल है और आज भी वही मॉडल है, कुछ तो बदलो। और फिर पूछा उन्होंने तीसरा, मैंने कहा तीसरा, और आज बोलते हुए थोड़ा मैं सोच भी रहा हूं कि बोलू कि ना बोलू, रेडियो स्टेशन में मैंने भी काम किया ना, तो ये शोक समाचार नहीं बदले यार 22 सालों में। तो समझ में आता है, जमाना था कि चलो लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती थी, लेकिन आज के समय में रेडियो में, वो भी आप इमेजिन करो 7 बजे आप बिल्कुल मस्त होके जॉब पे जाने के लिए दरवाजा खोलते हो, कॉपी का सिप लेते हो, रेडियो ऑन करते हो, कोई भी रेडियो स्टेशन, इंडियन रेडियो स्टेशन, और अब दुख के साथ सूचित किया जाता है कि आज लंबा सा के, अरे यार सुबह सुबह भाई 7 बजे मुझे जॉब पे जाना है, और मुझे दुख के साथ कोई ये बोले सूचित किया जाता है। समझ में आता है तब ना, अब तो मतलब स्मार्टफोन हो गए हैं और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाते हैं ना, मतलब आदमी मरता नहीं है, 3 दिन पहले लोग बता देते हैं भाई आ जाना मरने वाला है, 3 दिन पहले बता देते हैं लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन ना हमारे रेडियो स्टेशन आज भी स्टिक है, तो उसके साथ सूचित किया जाता है, तो मुझे भी जॉब मिली फिर ना, जब तो मुझे भी दिया गया पढ़ने को। अच्छा सबसे प्रॉब्लम ये होती है कि पता नहीं लगता मरा कौन है, जब आप पढ़ते हो ना कि दुख के साथ, जब ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि दुख के साथ सूचित किया जाता है लंबा सा के कांतिलाल, तो मुझे लगा कांतिलाल मरा है, के स्वर्गीय पिता, मैंने कहा नहीं स्वर्गीय तो हो चुका है कोई, यानी शांतिलाल और उनकी पत्नी रमणीक बहन, मैंने कहा ये रमणीक बहन मरी है, के नहीं नहीं फिर आगे उनकी बहू जयंती देवी, देखो हो जयंती देवी मर गई है, के बेटे पिंकी पुत्तन और रमेश के बाप जयंती लाल ही मरे हैं। भाई उसी टाइम बता रहे थे ये आदमी मरा है, इतना घुमा के यार समझ नहीं आ रहा मरा कौन है, ढूंढते ढूंढते ढूंढते। तो मुझे ऑफिस एंड में बताना पड़ता है कि भाई फलां तारीख को आप वहां शमशान घाट पे पहुंच जाइएगा, और वो जो पत्नी थी उनकी शोक उनको सहानुभूति देने के लिए। तो मेरी मीटिंग हो गई भाई इस बात पे, बुलाएगा बॉसेस भी बुलाया मुझे, क्या कर दिया आपने, शोक समाचार था, कह रहे वो आए शमशान घाट वाले, कह रहे पिछले महीने का आपने उपड़ दिया, 200 लोग वहां इकट्ठे हो गए शोक सहानुभूति देने के लिए उनकी धर्म पत्नी को, जो कह रहे हैं कि भाई इनको कंधा चाहिए होगा, आगे लोग कह रहे हो सकता है सोने के लिए बंदा भी चाहिए होगा, मतलब लोग रोने के लिए कंधा और सोने के लिए बंदा ढूंढ ही लेते हैं। तो वो पहुंच गया भाई, मैंने कहा तो गलत है, लेकिन मैंने उनको फिर सजेशन किया ना कि देखिए बदलना बहुत जरूरी है समय के साथ, आप बदलाव करें, ये सब चीजें पुरानी है, मैं समझता हूं उस समय इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती थी, लेकिन आज जो मैंने आप लोगों को बताया कि व्हाट्सएप है ये है, चलो उन्होंने कहा ये बात तो है, हम इस पे सोचेंगे विचारेंगे और आपकी जो विचार है उस पे हम बताएंगे कि क्या बदलाव करना चाहते हैं। थोड़े एक हफ्ते के बाद फिर मीटिंग हुई, तो उन्होंने कहा सोच लिया हमने, तो मैंने कहा क्या क्या हुआ बदलाव, आप ही को बदल रहे हैं। मैंने कहा भाई हाँ हमने सोचा आप ही को बदला, पर हमारे बिजनेस में आप ज्यादा टाइम ना डाले, आप ही बदल दिए। तो भाई वो चले गए, मेरी नौकरी चली गई, मैंने बोल दिया अपन तो जेब में नौकरी रखते हैं, मेरे लिए फटी हो। तो फिर अपन 7 बजे अपन इंटरव्यू देने के लिए बिल्कुल दरवाजा खोला, जैसे रेडियो खोला, फिर कोई और था धोखे साथ सूचित किया, वही चल रहा था। मतलब 22 सालों के बाद बहुत समय मुझे इंडिया जाने का भी मौका मिला,
तो इस बार मैं इंडिया गया, तो इंडिया में मुझे लगा कि यार मैं बहुत सारा स्टैंड अप कर चुका हूं, तो इंडिया में भी मुझे करना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस आ गया ना। तो मैं गया एक ऑर्गेनाइजर थे, मैंने कहा गुड़गांव में, मैंने कहा सर मैं भी करता हूँ स्टैंड अप, तो देख लो यार बड़े इंडियन में तो बहुत फेमस है लोग। तो उन्होंने कहा वीडियो है आपके पास, मैंने कहा देखो, देखा उसने, कहना भाई साहब अच्छा है लेकिन मजा नहीं है इसमें। मैंने कहा मजा क्यों नहीं है, कह रहे सब वल्गर नहीं है। मैंने कहा मैं राखी सावंत हूँ क्या भाई, मतलब भाई बूबू है क्या, मतलब क्या दिखाना है मुझे वहां पे, ना मैं जो सुनाता हूँ भाई, मैं वो सब नहीं करता हूँ जो तुम सोच रहे हो। कह रहे नहीं भाई साहब गाली गाली होनी चाहिए इसमें। मैंने कहा देख भाई मैं लखनऊ का हूं, सभ्य संस्कृति सभ्यता और हम लोग इज्जत से बात करते हैं, हम लोग आप करके बात करते हैं लखनऊ में, ये गाली गलत हम नहीं देंगे, समझे बहुत सड़ेगी। कह रहे भाई साहब ऐसे तो नहीं चलेगा, गाली तो आपको देनी पड़ेगी, मतलब आप हिट नहीं हो पाओगे ना, तो हिट नहीं हो पाओगे, हिट नहीं हो पाओगे। तो मैंने कहा यार देख गाड़ बना गाली तो नहीं तो बहुत, फिर कह रहे यार तो दीजिए गाली देना होगा तभी तो हिट हो गए। तो थोड़ी बहस होने लगी, कोई और आदमी कह रहा क्या हुआ सर, मैं कह अजीब आदमी लखनऊ के आदमी से कह रहा है कि भाई स्टैंड अप कॉमेडी में गाली दो चूतिया है क्या कर रहे, हम गाली नहीं देंगे, हम लोग ऐसे नहीं है, ऑकलैंड की जनता देखो बहन चो भाई चो गांडू कह रहे हो हंसती नहीं है, तालियां नहीं मिलाती जब भी मैं कहती हूँ। लेकिन आप किस धंधे में आ गए, अच्छा खासा सड़ने में आपका टेलर है, चोली सी लो घाघरा सी लो, कहा रियल स्टेट वाले इसमें काम में आ गए ना, क्या वजह का यार धंधा होता था यार, यहाँ लड़कियां आ रही है चोली सी रहे नाप रहे हैं, वो कर चुके हम कभी ये बहुत सक्सेसफुल है, तो कभी भी मकान लेना हो खरीदना हो इनसे जरूर संपर्क करें, पढ़ते ये खुद सी के देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, इनके लिए भी तालियां। गुजराती बहुत सारे लोग मैंने सुना गुजराती बहुत, हाँ वो पीछे आवाज आ रही है, बड़े भोले भाले लोग होते हैं, मैं सच बताऊं कि गुजराती बहुत अच्छे लोग होते हैं, और हमेशा जितना मेरा अनुभव एक्सपीरियंस रहा गुजराती तो नाम ही देखिए ना कितने अच्छे हैं, कल्पेश नीलेश अलकेश तेजल रूपल प्यारा नाम लगता है एकदम ना। लेकिन 2002 तक मुझे ये लगता था कि ये लोग भोले भाले होते हैं, ऐसा कुछ हुआ कि गुजरातियों ने कहा कि देखो भाई हम भोले भाले हैं लेकिन वक्त आने पर हमारे पास भाले भी हैं और हम भोले भी हैं। तो भाई तो फिर जनता को भी समझ में आया, तो 2014 का इलेक्शन आया, फिर एक भोले भाले इंसान को भाई प्राइम मिनिस्टर भी बनाया गया, तो भोले प्राइम मिनिस्टर बने हमारे मोदी जी। तो किसी ने मुझसे पूछा कि राज तुम कहते थे यार बड़े भोले हैं भाले वर्ड कहां गया, मैंने कहा अगला इलेक्शन आने दो, तो फिर होम मिनिस्टर बन गया अमित शाह। तो दोनों भाई लोग भोले भाले अपना हमारा देश चला रहे मस्त होके, और देश को बता रहे कि भाई दुनिया को बताओ कि हम भोले भाले हैं, छेड़ोगे नहीं तो भोले भाले हैं, अगर छेड़ोगे तो हमारे पास भाले ही हैं। तो ये साल इंडिया में अभी इलेक्शन का टाइम है, मतलब इलेक्शन का टाइम है, तो अभी इलेक्ट करेंगे सारे इंडियंस गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे, सॉरी माफ कर नई गवर्नमेंट को इलेक्ट करना है, इलेक्शन चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी एक नया स्लोगन आया मोदी जी का ना काफी, तो मुझे लगा वो इंस्पायर है काफी क्रिकेट से, तो उन्होंने कहा देखो 2014 था तो सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा हमने, 2019 आया तो हमने सोचा कि चलो सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, तो अब की बार पूछा लोगों ने कि अब किसका तोड़ रहे, तो इसका धारा का 400 रन है, तो कहते हैं कि अब की बार 400 पारी काट देंगे।